ये है ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है रिले। रिले और ये कैसे काम करता है, ये ऑपरेट कैसे होता है और इसमें कनेक्शन हम कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, रिले का चार पिन या फिर पांच पिन, मैंने इसमें चार पिन रिले के बारे में बताया है। ये रिले का यूज आप कैसे करेंगे, रिले किसको करंट देता है और इसमें करंट कहाँ से आता है, किसको सप्लाई देता है, क्या सिस्टम है रिले का, ये पूरा चीज़ मैंने इस वीडियो में बनाया है। अगर आप इसको पूरी वॉच करेंगे तो रिले का इस्तेमाल आप सीख जाएंगे या फिर आप उसमें कुछ भी यूज कर सकते हैं। रिले का इस्तेमाल एक बार आप अगर जान जाएं तो उसको हेडलाइट में यूज करें, फॉग लाइट में, जो भी यूज करना है आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर अपडेट्स आपको मिले। ये है हमारा रिले, ये है हमारा रिले और उसका ये हुआ पिन, ऐसा उसका पिन होता है। ये पिन का नंबर होता है, ये ज़्यादातर रिले में 85, 86, 87 और 30 यही होता है। जैसे कि ये हो गया बाहर में 87, 85, 86 और 30। फ्रेंड्स, ये इंटरनल इसका फीचर कुछ इस तरह है। रिले का ये डायग्राम है अंदर का, यहाँ पे होता है क्वायल, पूरा यहाँ क्वायल लगा होता है जो मैग्नेट के तरह काम करता है जब रिले ऑपरेट होता है, तो जब ये ऑन होता है तो ये हमारा क्वायल है। और अब ये इसमें जो है हमारा पिन हो गया, ये हो गया 30, ये हो गया 85, ये हो गया 86 और ये हो गया 87। अब क्या होता है, बस रिले का यही काम है कि जब 85, ये हो गया ग्राउंड, जब इसमें ग्राउंड और इसमें मेन जब आता है, जैसे मैंने एक इसमें ग्राउंड का वायर दे दिया और जैसे ही मैं इसमें मेन वायर दूंगा, पॉजिटिव वायर जैसे ही मैं दूंगा, ये क्या करेगा, यहाँ मैग्नेट की तरह काम होगा और यहाँ होता है एक स्प्रिंग होता है और ये चीज जब यहाँ काम होता है मैग्नेट की तरफ, तो ये स्प्रिंग जो है इसको अपने तरफ खींचता है, या मैग्नेट होता है और ये इधर आता है, जब खींचता है इसको तो ये जो हिस्सा है इस हिस्से से कनेक्ट हो जाता है, ये जो पिन है इस पिन से कनेक्ट हो होता है, तो यहाँ से और यहाँ का कॉन्टिन्यूटी मिल जाता है। बस यही काम है कि ये जब रिले ऑपरेट होता है तो इसका तार एक हो जाता है, ये कनेक्ट हो जाता है आपस में। तो यहाँ जो अगर हम यहाँ करंट दे देंगे, अब रिले हम जैसे ही ऑपरेट किए, यहाँ का करंट यहाँ से निकलने लगा, ये हुआ हमारा इनपुट, रिले का इनपुट और ये है रिले का आउटपुट, ये वायर है रिले का आउटपुट, ये है इनपुट और ये क्वायल को ऑपरेट करने के लिए है कि हम इसमें करंट देंगे तो ये हमारा ऑपरेट होगा और इसमें मैग्नेटिक काम होगा, फिर ये जो पिन है वो नीचे की तरफ आएगा तो इसमें सट जाएगा, जब इसमें टच होगा तो ये जो है इसमें करंट रहता है तो इसमें भी करंट आना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम रिले का यूज करेंगे, जैसे ये हमारा हो गया बैटरी, ये बैटरी हो गया, इसका एक निगेटिव पोल और इसका एक पॉजिटिव पोल, निगेटिव पोल का हम जो वायर है वो ला देंगे 85 में और ये जो है पॉजिटिव इसको दे देंगे 30 में। अभी हमारा मेन इसमें है और निगेटिव इसमें है। अब अगर हम हेड लाइट लगाएं, फॉग लाइट लगाएं, पार्किंग लाइट जो भी लगाना है वो लगा सकते हैं। एक हम यहाँ पे दे दिए
यहाँ पे एक हम लगा दिए हैं पुश पुल स्विच। ये है पुश पुल स्विच, जो हम ऑन करेंगे तो हमारा लाइट जलेगा। इसका हम देखिए कैसे वायरिंग करते हैं। वायरिंग ऐसे ही होता है, जैसे यहाँ पे दो पिन है पुश पुल स्विच का, तो ये पॉजिटिव वायर से ही एक ला देंगे हम इसमें, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हो गया। तो पुश पुल स्विच का काम क्या है कि जब इसको हम ऑन करेंगे तो ये दोनों का कंटिन्यूटी मिल जाएगा, और यहाँ से जो करंट आया है वो यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही हम ऑन करेंगे ये दोनों आपस में मिल जाएगा और यहाँ से करंट निकलने लगेगा। तो यहाँ से जो करंट निकल रहा है वो हम लगाएंगे 87 में, 87 में दे दिए, और 86 में, सॉरी 87 में नहीं, ये 86 में देंगे, 86 में दे देंगे। और ये जो 87 का जो है वायर, इसको ला देंगे, हॉर्न है, हेडलाइट है, जो भी है उसमें ला देंगे। और यहाँ से जो इसका दो पिन है और इसके जो निगेटिव है वो निगेटिव से हम कनेक्ट कर देंगे। अब हम क्या किए कि इसको जैसे ही हम ऑन करेंगे, यहाँ तो पॉजिटिव पहले से आ गया है, यहाँ पॉजिटिव मैंने दे दिया है, ऑन करेंगे तो ये पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा और ये जाएगा यहाँ 85, 86 के पास, 86 में जाएगा। तो यहाँ पहले से ही ग्राउंड है। अब यहाँ जैसे ही करंट आया ये मैग्नेट की तरह काम किया, और ये जो मैंने 30 पे लगाया था पॉजिटिव वायर, वो यहाँ से कनेक्ट होके यहाँ से निकलने लगा। अब यहाँ से निकला तो हॉर्न के पास गया, हॉर्न के पास मेरा पहले से ग्राउंड था, अब वो बजने लगा। बस यही हमारा रिले का पूरा काम है। अगर यहाँ अगर हम हॉर्न नहीं लगाते हैं, कुछ और लगा देते हैं, तो वायरिंग पूरा हर रिले का वायरिंग यही होता है बस फ्रेंड्स। तो अब अगर आपको दे दिया जाए रिले, बैटरी और पुश पुल स्विच या कोई भी स्विच, और यहाँ एक कोई चीज़ दे दिया जाए जैसे हॉर्न, हेडलाइट, कुछ भी, तो आप आराम से ये इसका और इसका हर चीज़ का इस्तेमाल करके आप एक वायरिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर एक रिले ऐसा दे दिया जाए जिसमें ये नंबर नहीं हो, ये 85, 86, 87, 30 ये ना हो, वो कुछ और हो, जैसे यहाँ तो आपको समझा दिया गया कि 85 में ये करना है, 86 में वो करना है, 87 से डायरेक्ट यहाँ ले जाना है वायर, 30 में डायरेक्ट बैटरी के वायर रहेगा, लेकिन उसमें अगर ये नंबर ना हो, अलग नंबर हो, जैसे वो हो, ये जो पिन है नंबर हो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ से कैसे समझ में आएगा। या फिर अगर ये पिन जो है ऐसे ना हो, उसका पिन अगर ऐसा हो, ऐसा हो, तो कैसे समझ में आएगा कि ये इससे कनेक्शन होगा या इससे इसको कनेक्शन मिलेगा, ये कैसे समझेंगे। तो फ्रेंड्स हर रिले पे, अगर वो रिले है तो उसके जो कवर होता है रिले का, उस पे हर रिले का कवर पे वायरिंग का डायग्राम बनाया होता है कि वो रिले किसको कनेक्शन दे रहा है और उसका कॉइल का पिन कौन है। तो जब अगर ऐसा होगा, ऐसा होगा तो उसका कनेक्शन दिया होगा कुछ इस तरह के, ये अगर ऐसा होगा तो समझ जाइए कि ये इसको करंट दे रहा है, ये टच होगा, ये है हमारा कॉइल, कॉइल, और ये खींचेगा इसको तो ये इससे टच होगा। उस पर आराम से समझाया गया है कि कौन पिन किसको करंट दे रहा है, तो वो देख के आप समझ जाइएगा। तो